नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी भाई नंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मिनी इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी को आप कैसे एडजस्ट करेंगे और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इन्वर्टर पे अगर हम 100 वाट की लैंप लगा देते हैं तो ये हमारी बैटरी से कितनी एम्पियर कंज्यूम करती है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इस विषय में तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले आपने इसकी असेंबलिंग की कोई भी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको बता दूं कि 5 पार्ट इससे पहले इस मिनी इन्वर्टर की बन चुकी है। फर्स्ट में मैंने आपको बताया है कि इसको बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। दूसरे में मैंने आपको ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करके दिखाई है। तीसरी में उसकी वायरिंग करके दिखाई है। चौथे में उसमें कोड डालकर दिखाई है। पांचवे में उसकी कंप्लीट कनेक्शन दिखाई है। और जितनी बची कंफ्यूजन थी कि ये कितनी एम्पियर कंज्यूम करती है बैटरी की और दूसरी किसकी फ्रिक्वेंसी को हम कैसे एडजस्ट करें। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो इन्वर्टर है ये साइन वेव नहीं, ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, ठीक है। और इसमें बैटरी चार्जिंग का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आने वाली जो और भी वीडियोस होगी इन्वर्टर से जुड़ी हुई, उसमें आपको चार्जिंग के साथ जो इन्वर्टर होती है उसकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मिनी इन्वर्टर और यहाँ में लगाए हैं हम फ्रिक्वेंसी मीटर। फ्रिक्वेंसी मीटर की वीडियो मैंने पहले बनाई है कि आप किसी इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी को कैसे चेक करते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो हमारी इन्वर्टर है तो इसकी 230 वोल्ट वाली, यहाँ पे 220 वोल्ट वाली जो लूप थी इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक वायर हमने कॉमन के साथ यहाँ में कनेक्ट कर दी है, ठीक है। और दोस्तों, इसमें पावर डालने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 9 एम्पियर की 12 वोल्ट वाली बैटरी। तो इस वायर को सबसे पहले हम इस बैटरी के ऊपर लगा देते हैं। बैटरी के ऊपर जब भी आप वायर लगाएं तो इसके टर्मिनल का ध्यान रखें कि कौन सी पोल इसकी पॉजिटिव है और कौन सी निगेटिव है, ठीक है। और एक बात का और आप ध्यान रखें कि इन्वर्टर आपकी ऑफ होनी चाहिए। फिलहाल हमारी ऑन में थी, खैर कोई नहीं। जैसा कि आप यहां में देख सकते हैं, अभी जो हमारी ये फ्रिक्वेंसी शो कर रही है यहां में आप देख सकते हैं 49 है और इससे पीछे वाली जो लाइन है इसके नीचे वाली पट्टी वाइब्रेट कर रही है, यानी कि ये अभी हमारी 48 फ्रिक्वेंसी हमें दे रही है, ठीक है। तो अब इसकी फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरह का बोर्ड हमने इस्तेमाल किया है। इस इन्वर्टर के अंदर मैं इसके पैकेट से थोड़ा सा निकाल लेता हूं बाहर। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, इसी टाइप का बोर्ड हमने मॉस्फेट बोर्ड इस्तेमाल किया है इस इन्वर्टर के अंदर। और जैसा मैं आप यहां में देख सकते हैं, यहां में है एक प्रीसेट, तो इसके प्रीसेट को हम घुमाकर इसकी फ्रिक्वेंसी को हम कर सकते हैं एडजस्ट। तो चलिए हम इसकी फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं इसकी प्रीसेट को घुमाकर। दोस्तों, जब हम इसके प्रीसेट को घुमाते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी, आप इसे बिल्कुल आराम आराम से घुमाएं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी घुमाएं, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी मीटर है इसे भी खुद को एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इस हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी मीटर इसे प्रीसेट को थोड़ी थोड़ी सी घुमाएं और आप देखें। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने फ्रीक्वेंसी मीटर को घुमाया तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 49, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी 50, तो हम इसे थोड़ा सा और घुमाएंगे। प्रीसेट थोड़ी सी ज्यादा घूम गई इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई 51। चलिए हम इसको लेके चलते हैं 50 पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी अभी जो हमारी 49 और 50 है ये दोनों पट्टी थोड़ी थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही है,
लेकिन जो मोस्टली जो हमारी पट्टी वाइब्रेट कर रही है वो 51 और 49 के बीच वाली पट्टी है, यानी कि अभी हमारी इस इन्वर्टर की जो फ्रिक्वेंसी है वो हो गई 50। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से आपकी जो यहाँ में प्रीसेट है इसमें आप स्क्रू ड्राइवर डालकर और इसकी प्रीसेट को आप घुमाएं, आपकी फ्रिक्वेंसी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको एक फ्रिक्वेंसी मीटर भी लेना होगा। ये आपको ऑनलाइन मार्केट में भी बड़ी है आसानी से दस्तयाब है, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो हम इसे ऑफ करते हैं अपने इन्वर्टर को और हम इसमें कनेक्ट करते हैं 100 वाट के लैंप। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के साथ हमने इस 100 वाट की लैंप को कनेक्ट कर दिया है, अब हम इसे ऑन करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि लाइट ग्लो कर रही है, हालांकि ऑन के पोजीशन है, बैटरी से वायर निकालना ठीक नहीं है, पर दोस्तों यहां पे मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। जैसा कि देख सकते हैं ये एम्पियर मीटर, इसकी एक क्लिप को हम सटाएंगे अपने बैटरी के टर्मिनल के साथ और दूसरे पे हम इन्वर्टर वाली एक वायर को जोड़ देंगे। चलिए हम इसे सटा कर देखते हैं कि ये हमारी कितनी एम्पियर कंज्यूम कर रही है। जैसा कि देख सकते हैं 100 वाट की लैंप को अगर हमने कनेक्ट किया इसके साथ तो ये अप्रोक्स 7 एम्पियर के आसपास हमारी बैटरी को कंज्यूम कर रही है। दोस्तों हमारे पास जो आपकी ये इन्वर्टर है ये बेसिकली 80 वाट की ही है, लेकिन मेरे पास 80 वाट का कोई एग्जैक्ट लोड नहीं था, इसलिए हमने आपको इसमें 100 वाट की लाइट को जला कर दिखाया है। दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये हमारी एम्पियर कंज्यूम कर रही है 7 वाट एक 100 वाट की बल्ब, तो अगर आप इस पे 50 वाट की लोड डालते हैं तो ये 3.5 एम्पियर के आसपास आपकी ये कंज्यूम करती है। और इस हिसाब से आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी इन्वर्टर कितनी एम्पियर कंज्यूम कर रही है। तो दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।